वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने आप गुरु नानक देव जी महाराज जी का जामा तार के इस दुनिया ते जन्म लिया सी ते जो भी उस वाहिगुरु रूप गुरु नानक देव जी महाराज की याद नूं अपने दिल दे विच बसाउंदा है उसकी हर पक्षों बहुड़ी सहायता अकाल पुरख जी आप करते ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दुनिया नूं कुरीतियां करन तों कई ढंगां दे नाल रोकिया वरजिया है ते कई चोज वरताए ने ते एक अजिहा ही चोज जो गुरु नानक साहब महाराज जी ने शरीरक रूप दे विच रहंदियां होया वरताया सी कि गुरु साहब ने काबा घुमा दिता सी ते उपदेश दिता सी कि परमात्मा अकाल पुरख हर दिशा दे बल है ते अज बहुते नामवर सिख प्रचारक इस उपर शक भी जाहिर करते ने ते ये उन्हां वल्लों कहा जाता है कि गुरु नानक साहब ने मक्का नहीं फेरिया सगों मत फेरी सी। खैर जिमें सियाणियां वल्लों कहा जाता है कि इतिहास अपने आप नूं मोड़ दोहराउंदा है। अज इस वीडियो दे विच एक अजिही गुरसिख दी घटना सांझी करांगे जिसने मस्जिद नूं घुमा दिता ते घटना पाकिस्तान पेशावर दी है। जिस गुरसिख की गल हो रही है उन्हां दा नाम बाबा जसवंत सिंह है ते मुसलमानां वल्लों उन्हां नूं पेशावर दे विच बाबा खुदा सिंह जी के नाम के नाल जानिया जाता है तो 47 की बंड तो पहला दा वाकिया है तो अज भी पेशावर वो मस्जिद मौजूद है तो लहिंदे पंजाब वाले सिख तो सिंधी सिख उत्थे माण दे नाल मत्था टेकदे ने। दस्या जाता है कि बाबा जसवंत सिंह जी पेशावर शहर दे विच गए हो सन तो उत्थे कामकाज निपटा के अपने पिंड दे वल चाला पाउणी लगे सन तो उत्थों के कुछ मुसलमानां ने बाबा जसवंत सिंह नूं रोक लिया तो सारे मुसलमानां ने बाबा जसवंत सिंह जी नूं आसे पासियों घेर लिया तो उन्हां मुसलमानां दी भीड़ दे विचों उसका मुख आगू भीड़ दे विचों निकल के सामने आया तो आखण लगा कि काफरो तुसीं कहंदे हो कि तुहाडे गुरु नानक ने साडा काबा घुमाया है। तो बाबा जसवंत सिंह जी बड़े बंदगी वाले सन तो नाम के सुरूर दे विच बिना डरे आखण लगे बिल्कुल घुमाया है। गुरु नानक आप अकाल पुरख सन उन्हां दुनिया सीधे पासे लाउण वास्ते बेअंत कोत कीते ने ते ये गल सुनन दी ही देर सी उत्थे मौजूद भीड़ ने गुस्से दे विच आके एकजुट हो के आख्या जे तेरे गुरु नानक ने मक्का सचमुच कमाया है तो तू साडी मस्जिद कमा के दिखा असी तां मनांगे ये सच है नहीं तो अज कलमा पढ़ के तेनों सिख तो मुसलमान जबरी बनाया जाएगा। तो पीड़ के मुखी ने भी यही गल दोहराई कि इस तरह ही किया जाएगा ताकि बाबा जसवंत सिंह जी ने बहुत ही निम्रता के नाल वचन किया कि मैं तो गुरु नानक दा निमाड़ा सिख हाँ मैं अजिहा नहीं कर सकता वो गुरु ने तो मैं उन्हां दा सिख हाँ बहुत अंतर है। तो ये गल सुनन ते उत्थे मौजूद मुसलमान बहस करन लगे तो कई तो मारन कुटन लई भी तैयार हो गए तो धक्के नाल खिचतू करके मुसलमान बनाउण लई भी तैयार हो गए। फिर यह समा तक के बाबा जसवंत सिंह जी ने अरदास की थी कि महाराज ये लोग मैनू कह रहे हैं कि तेनू मुसलमान बना देना है जेकर तू मस्जिद नूं नहीं कमाया था। उन्हें फिर आख्या महाराज मैं नहीं कुछ भी करन जाऊगा आप जी का निभाना सीखा पर जे गुरु नानक साहब जी तुसी टुट पवो तो मस्जिद तक ही दुनिया घूम सकती है। तो आख्या गुरु साहब जी जे तुसी टुटो तो की नहीं हो सकता। खैर बाबा जसवंत सिंह जी ने मानी मन दे विच अरदास की तो उन्होंने मिठी जही एक आवाज़ सुनाई दी कि 5 बार जसवंत सिंघा वाहिगुरु कह तो तेरी बौड़ी होगी। तो फिर बाबा जसवंत सिंह जी ने 5 बार पेशावर शहर दे विच वाहिगुरु वाहिगुरु कहा तो उस समय फिर वो मुसलमानों की भीड़ हक्की बक्की रह गई। जब उन्होंने तकिया कि देखद्या देखद्या मस्जिद घूम रही है तो मस्जिद अपनी फिर दिशा बदल गई सी ते ये कौतक देख के मौजूद मुसलमानों की भीड़ उन्हां दे पैरी पै गई। तो इतिहास भी जिमें पहला भी जिक्र किया तुहाडे नाल के मुसलमान वीरां ने फिर बाबा खुदा सिंह जी उन्हां नूं नाम दिता ते अज बाबा जसवंत सिंह उर्फ बाबा खुदा सिंह करके नाम प्रसिद्ध है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।